हेलो 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 हेलो, हाँ जी, गुड आफ्टरनून एवरीबडी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हाँ जी, मुझे फटाफट से बताओ कि ऑडियो वीडियो क्लियर है। येस, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून गुरबानी, सौम्या, अपराजिता, डेनवर एंड हिमांशु, वेरी गुड आफ्टरनून। आ जाओ, फटाफट से आ जाओ और मुझे एक बार ऑडियो वीडियो बता दो। गुड आफ्टरनून, यश क्लियर है, ऑल राइट, ठीक है। यस सर, क्लियर है। गुड आफ्टरनून स्नेहा, गुंजन, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। ओके, एक दो मिनट के लिए वेट करते हैं ताकि बाकी बच्चे ज्वाइन कर लें, उसके बाद शुरू करेंगे। ऑल क्लियर, ऑल राइट, ऑल राइट, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जी, इकोनॉमिक्स में क्या चल रहा था हमारा? लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड तो हमने कंप्लीट कर लिया था, आज हमें उसके आगे कंटिन्यू करना है। आई होप, मैंने आपको कहा था, मैंने आपको मैसेज भी किया था ग्रुप में कि एक बार स्टडी मटेरियल से रीड कर लेना, जो हमने टॉपिक्स रीड किए थे। मैं आपको क्लास में रीड करवाऊंगा, लेकिन एक बार खुद से रीड कर लेना। एंड आई होप कि आपने एक बार तो नज़र मार ही ली होगी। मार लेना भाई, एक बार नज़र तो मार ली होगी। नहीं, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, रीड किया था? यस, रीड किया था। गुड आफ्टरनून प्रियांशी, प्रिया, किया था भाई, किया था, बच्चों ने रीड किया था। ऑल राइट, राइट, रेड इट, ओके ओके, रीड किया था, राइट। बाकी जो जो बच्चे आ चुके हैं, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए कि भाई हाँ, सब कुछ क्लियर एंड वी कैन स्टार्ट, ठीक है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ अभी तक किसी ने लाइक नहीं किया है वीडियो को, सो यू कैन लाइक द वीडियो। बच्चों जल्दी से बताओ। गुड आफ्टरनून सही था, ओके, लेट अस स्टार्ट, स्टार्ट करते हैं। आ जाओ फटाफट से। तो देखो यार, देखो भाई देखो, हमने क्या करा लास्ट क्लास में, हमने क्या किया था और आज हम क्या करने वाले हैं। अगर हम लास्ट क्लास की बात करें या स्टार्टिंग से अभी तक की बात करते हैं मेरे दोस्त, तो हमने थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई में क्या क्या पढ़ लिया। देखो भाई, रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, रिवाइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो भी हमने पिछले क्लासेस में किया है, एक बार फटाफट से उस पर नज़र मार लेते हैं कि भाई अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि डिमांड क्या होता है, क्या होता है डिमांड, क्या होता है। सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि भाई डिमांड इज़ एक्चुअली व्हाट, कि आपके पास क्या होना चाहिए, किसी चीज़ को बाय करने का डिज़ायर होना चाहिए, फिर आपके पास उसको बाय करने की परचेजिंग पावर होनी चाहिए एंड विलिंगनेस टू पे, उस पैसों को खर्च करने के लिए मन भी होना चाहिए, विलिंगनेस भी होनी चाहिए, राइट, ठीक है, विलिंगनेस टू पे। ऑल राइट, ये था हमारा डिमांड। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि अगर आपको डिमांड को एक्सप्रेस करना है, क्वांटिटी में होगा, बिल्कुल सही, कि कितनी क्वांटिटी आपको चाहिए एट अ गिवन प्राइस, एक प्राइस पे आप करोगे। हमारा क्या होगा, क्वांटिटीज में होगा, प्राइस पे होगा और पर पीरियड ऑफ टाइम। तो जब भी आप अपनी डिमांड को एक्सप्रेस करते हो, मान लो मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैन्युफैक्चरर हूँ, तो मैं अगर अपनी डिमांड को एक्सप्रेस करूँगा तो कैसे करूँगा कि इतने यूनिट्स ऑफ गुड्स, राइट, एट दिस प्राइस पर यूनिट ऑफ टाइम, पर वीक या पर मंथ। तो मेरे गुड्स की डिमांड इतनी है, इस प्राइस पे इतनी है और इतने टाइम पीरियड के लिए, एक हफ्ते के लिए, एक महीने के लिए। दैट इज व्हाट, दैट इज, क्या करें, दैट इज एक्सप्रेशन ऑफ डिमांड, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, व्हाट डिटरमिन्स डिमांड। अरे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यस नो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई डिमांड कैसे चेंज होती है। तो सबसे पहले प्राइस, अपने खुद के गुड्स का प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड कम हो जाएगी, डिक्रीज होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, वो सब चीज़ें। प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज, सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस। अगर आपका कोई सब्सटीट्यूट गुड्स है, ठीक है, अगर उस सब्सटीट्यूट गुड्स के प्राइस इंक्रीज हो गए तो बेटा आपकी डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि लोग उसको खरीदेंगे। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या था कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस इंक्रीज हो गए तो इसका मतलब क्या होगा, बोलो भाई बोलो, यस और नो, ठीक है। सब्सटीट्यूट गुड्स में क्या है कि सब्सटीट्यूट गुड्स के अगर प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं तो इसका मतलब आपकी डिमांड भी इंक्रीज हो रही है, बोलो हाँ या ना। सब्सटीट्यूट गुड्स के अगर प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि अगर उनके प्राइस इंक्रीज हो गए तो लोग आपके गुड्स खरीदेंगे, आपके गुड्स क्या हो गए, सस्ते हो गए, यस और नो। तो अगर कॉफ़ी महंगी हो गई तो लोग चाय पियेंगे, कॉफ़ी सस्ती हो गई तो फिर लोग कॉफ़ी पियेंगे। ये था, इसका मतलब सब्सटीट्यूट गुड्स में हमारा क्या है, सब्सटीट्यूट गुड्स में डायरेक्ट रिलेशन है। क्या था, डायरेक्ट रिलेशन है कि भाई सब्सटीट्यूट गुड्स के प्राइस बढ़े, मेरी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई। सब्सटीट्यूट गुड्स के प्राइस डिक्रीज हो गए तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई, क्योंकि लोग फिर वो पियेंगे, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अगर प्राइस बढ़ गए तो मेरी डिमांड कम हो जाएगी भाई, यस और नो। अगर दो गुड्स आप साथ में यूज़ करते हो और एक गुड्स की जो प्राइसेस है वो इंक्रीज हो जाएंगी तो भाई लोग आपके गुड्स भी कम खरीदेंगे। कार पेट्रोल का एग्जाम्पल था, यस और नो, कार पेट्रोल का एग्जाम्पल था, सिंपल सी बात है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या है, आपका इनवर्स रिलेशन है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस बढ़ेंगे, आपकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। ऑलराइट, ये था हमारा रिलेटेड। उसके बाद हमने पढ़ा डिस्पोजेबल इनकम। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कि भाई कंज्यूमर की इनकम से डिमांड पे बहुत फर्क पड़ता है। यस बिल्कुल पड़ता है, लेकिन डिपेंड करता है कि कौन से गुड्स की बात हो रही है। अगर नॉर्मल गुड्स की बात हो रही है, नॉर्मल मतलब जो आपके मोबाइल फ़ोन ये सब फर्नीचर वगैरह नॉर्मल गुड्स, अगर इनकम इंक्रीज होगी तो उनकी डिमांड इंक्रीज होगी। यस नो, इनकम इंक्रीज होगी तो डिमांड इंक्रीज होगी, बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब उसमें क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। अगर हम बात करें इन्फीरियर की, तो हमने इन्फीरियर में क्या पढ़ा था, हमने इन्फीरियर गुड्स में पढ़ा था कि भाई अगर आपके इनकम इंक्रीज होगी तो एक टाइम के बाद आपके इन्फीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, आप नॉर्मल गुड्स पे शिफ्ट कर जाओगे। तो उस पर क्या है, आपका इन्वर्स रिलेशन है। उसके बाद हमने पढ़ा जो लग्जरी गुड्स होते हैं या जो नेसेसिटीज़ होती हैं। अगर नेसेसिटी की बात करेंगे तो उसमें डिमांड में चेंज नहीं आता है, क्योंकि जो नेसेसरी गुड्स हैं वो तो आपको चाहिए, बेशक प्राइस इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, उसमें ज़्यादा चेंज आपका नहीं होता है। ठीक है, ये हमने किस में पढ़ा, डिस्पोजेबल इनकम में पढ़ा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आई होप आपको रिवाइज हो रहा होगा। हाँ जी भाई, याद आ रहा है, पढ़ा या नहीं पढ़ा? मैं आपको पिछला रिवाइज करवा रहा हूँ सो दैट आप भूलो नहीं, भूलो नहीं। यस, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में ऐसे ही होता है, भूल जाते हैं। याद आ रहा है। उसके बाद था टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। भाई अगर आपके बायर्स के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस आपके फेवर में चेंज हो रहे हैं, आपके गुड्स के फेवर में चेंज हो रहे हैं, तो अच्छी बात है, डिमांड बढ़ेगी। यस और नो, अगर फॉर एग्जाम्पल कि आप क्या बनाते हो, आप डाइट कॉक बनाते हो या कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाते हो जहाँ पे कंज्यूमर अब आना चाहते हैं, उनके प्रेफरेंसेस चेंज हो रहे हैं आपके गुड्स की तरफ, उनके टेस्ट चेंज हो रहा है आपके गुड्स की तरफ, तो डिमांड बढ़ेगी। राइट, अगर आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस बायर्स के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस अगेंस्ट आपके गुड्स हैं, जो आप बनाते हो अब उनको वो पसंद में नहीं आता है तो वो नहीं खरीदेंगे, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद हमने मेन चीज़ पढ़ी थी कि भाई इसमें कुछ इफेक्ट्स होते हैं। कौन से इफेक्ट्स होते हैं सर, जैसे कि डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट का मतलब क्या था, बोलो बोलो, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट का मतलब क्या था, बताओ ज़रा मुझे। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब था कि यार देखा देखी वाला इफेक्ट, कि भाई अगर उसके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं, अगर वो खरीद सकता है तो मैं क्यों नहीं खरीद सकता। दैट इज डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। राइट, तो ऐसे क्या डिमांड इंक्रीज होती है, जब किसी को देख के गुड्स परचेज कर रहे हो, किसी को देख के गुड्स परचेज कर रहे हो, दैट इज डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। उसके बाद आपका क्या था, बैंड वैगन। बैंड वैगन का मतलब था कि यार क्योंकि सब ही ले रहे हैं तो मुझे भी लेना चाहिए। डेमोन्स्ट्रेशन में क्या है कि उसके पास है, वो खरीद सकता है तो मुझे भी चाहिए। बैंड वैगन में यार सब ही यही खरीद रहे हैं तो मुझे भी खरीदना चाहिए, दैट इज बैंड वैगन इफेक्ट। क्या था, बैंड वैगन इफेक्ट। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा स्नोब इफेक्ट। स्नोब और वेबलिन, स्नोब और वेबलिन मतलब अमीर लोगों के नखरे, अमीर लोगों के नखरे, लेफ्ट आउट फील करना, बिल्कुल सही। ठीक है, तो आपके बैंड वैगन में क्या है, बैंड वैगन में लेफ्ट आउट फील होता है, इसीलिए आप उसको खरीदते हो ताकि आप एक ग्रुप का, एक कम्युनिटी का पार्ट बन सको, बिल्कुल सही बात है। स्नोब इफेक्ट का मतलब था कि यार सब यही खरीद रहे हैं तो मुझे नहीं चाहिए, भाई मुझे कुछ अलग चाहिए। मुझे क्या चाहिए, हमेशा कुछ अलग चाहिए। अगर सबके पास मर्सिडीज है तो मुझे अब प्राइवेट जेट चाहिए, दैट इज स्नोब इफेक्ट, कि भाई सबके पास है तो मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका वेबलिन। क्या था, वेबलिन। वेबलिन में क्या है कि आपको अपना स्टेटस मेंटेन करके रखना है, आपको अपना स्टेटस मेंटेन करना है, तो आप सामान खरीदते हो, गुड्स को परचेज करते हो जस्ट टू मेंटेन योर स्टेटस, कि भाई लोगों को दिखना चाहिए कि आपके पास पैसा है, दैट इज स्टेटस मेंटेन करना, इज वेबलिन इफेक्ट। ये सब हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद है कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशंस। भाई अगर कंज्यूमर ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि फ्यूचर में प्राइस गिरने वाले हैं, फ्यूचर में प्राइस डिक्रीज होने वाले हैं, तो वो अपनी डिमांड को पोस्टपोन कर देगा, आज नहीं खरीदेगा। अगर वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि प्राइसेस फ्यूचर में गिरेंगे तो वो फ्यूचर में खरीदेगा, आज नहीं खरीदेगा, आज उसकी डिमांड कम हो जाएगी। उसको लगता है कि फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, बढ़ेंगे, तो भाई वो क्या करेगा, आज ज़्यादा खरीदेगा, महंगा थोड़ी खरीदेगा, तो आज ज़्यादा खरीदेगा। ठीक है, उसके बाद अगर इनकम की बात करते हैं यहाँ पे, अगर आपको ऐसा लग रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में आपकी इनकम बढ़ने वाली है, इनकम बढ़ने वाली है, तो आप आज सामान खरीदते हो, अपनी डिमांड बढ़ाते हो कि खरीदो खरीदो खरीदो, भाई अपने पास बहुत पैसा आने वाला है, अरे तुम खरीदो भाई, जो तुम्हें खरीदना है, बहुत पैसा आने वाला है। तो इसका मतलब अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इनकम बढ़ने वाली है तो डिमांड भी इंक्रीज होती है, लेकिन आपको लगता है अरे भाई फ्यूचर में तो बहुत ही बुरा होने वाला है, ठीक है, अपनी इनकम जाने वाली है, जॉब जाने वाली है, तो भाई सामान कम खरीदो, पैसे बचाओ। तो इनकम कम होने वाली है तो इसका मतलब क्या करोगे, डिमांड को भी कम कर दोगे, ये बात समझ में आती है। इसके बाद और फैक्टर्स थे सर, कौन से, जैसे साइज ऑफ पॉपुलेशन। भाई जिस कंट्री की पॉपुलेशन ज़्यादा, अपन नंबर 2 पे, राइट, जिस कंट्री की पॉपुलेशन ज़्यादा है ऑफकोर्स वहाँ पे ज़्यादा बायर्स होंगे, वहाँ पे ज़्यादा डिमांड होगी, सिंपल सी बात है। एज डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई आपकी जो पॉपुलेशन है उसमें मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, यंग लोग कितने हैं, ओल्ड एज लोग कितने हैं, येस और नो बच्चे कितने हैं, उसके हिसाब से डिमांड इफेक्ट होती है। अगर आपके एजड लोग ज़्यादा हैं, ओल्ड एज लोग ज़्यादा हैं तो वहाँ पे अलग टाइप की डिमांड होगी, राइट। यंग लोग ज़्यादा है तो वो ट्रेंडिंग चीज़ें खरीदेंगे, बच्चे ज़्यादा है तो टॉयज़ वगैरह खरीदेंगे, तो वो हो गया आपका एज डिस्ट्रीब्यूशन। ऑल राइट, इसके बाद था लेवल ऑफ नेशनल इनकम। हमने पढ़ा यहाँ पे कि भाई जो नेशनल इनकम होती है आपके इंडिया की, ठीक है, आपके नेशन की, उससे भी डिमांड इफेक्ट होती है कि भाई जितनी ज़्यादा नेशनल इनकम होगी इसका मतलब वहाँ पे उतने ज़्यादा बायर्स होंगे, उतने ज़्यादा डिमांड होगी। लेकिन ये देखना ज़रूरी है कि भाई उस नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। कई बार क्या होता है कि एक कंट्री की नेशनल इनकम बहुत ज़्यादा होती है लेकिन फिर भी उस कंट्री में पॉवर्टी बहुत ज़्यादा होती है। जो आपके कौन हो गए, जो पुअर क्लास है और जो रिच क्लास है, उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, तो वो भी देख कर चलना। अगर नेशनल इनकम आपकी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो वो आपको देखना होगा। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि एक वर्ड था प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्या वर्ड था? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अगर आपकी नेशनल इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे है कि भाई मेजॉरिटी ऑफ इनकम कुछ ही परसेंटेज लोगों के हाथ में है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, बहुत ज़्यादा गैप है, तो भाई ज़्यादा अमीर लोग जो होते हैं, ज़्यादा रिच क्लास लोग जो होते हैं, उनकी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम होती है, वो सामान कम खरीदते हैं। भाई उनके पास ऑलरेडी सब कुछ है, ऑलरेडी उनके पास सब कुछ है भाई, तो वो ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करते हैं, वो पैसे को बस बढ़ाने की कोशिश करते हैं, वो पैसे खर्च नहीं करते हैं। तो उस कंट्री में क्या होगा, उस कंट्री में आपकी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो होगा वो कम होगा। लेकिन अगर आपका नेशनल इनकम इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ज़्यादा अमीर लोग भी नहीं है, ज़्यादा पुअर लोग भी नहीं है, तो वहाँ पे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज़्यादा होता है, लोग सामान खरीदेंगे, बिल्कुल खरीदेंगे। बात समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी एंड इंटरेस्ट रेट्स। भाई देखो आजकल क्या है, अगर आपके पास आज पैसे नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, अरे दे देना बाद में दे देना। तो ये क्या है, क्रेडिट कार्ड्स फैसिलिटी की वजह से आज आप ज़्यादा डिमांड करते हो। आपकी जेब में 10,000 रुपये हैं लेकिन फिर भी आप 50,000 रुपये का फ़ोन खरीद सकते हो, है ना, कि भाई आप देते रहोगे इंस्टॉलमेंट्स में 5-5 हज़ार करके, आपकी मर्जी है। तो इसकी वजह से क्या हो गया, आपकी डिमांड इंक्रीज़ हो गई है, बायर्स खरीदते हैं अब, राइट, महंगी चीज़ें ज़्यादा खरीदते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस। इसमें क्या था कि गवर्नमेंट की पॉलिसी से बहुत ज़्यादा डिमांड इफेक्ट होती है, जैसे कि टैक्सेशन पॉलिसी। अगर गवर्नमेंट ने किसी पे ज़्यादा टैक्स लगा दिया तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी क्योंकि उसका प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट सब्सिडीज़ देती है, अगर गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदोगे तो सब्सिडी मिलेगी, सोलर पैनल्स खरीदोगे तो सब्सिडी मिलेगी, तो भाई सब्सिडी से क्या होता है, प्राइस कम हो जाता है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। गवर्नमेंट कुछ चीज़ों पे बहुत ज़्यादा बैन भी लगा सकती है, रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, तो उसकी डिमांड उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो गवर्नमेंट पॉलिसी से बहुत ज़्यादा डिमांड चेंज हो सकती है, ठीक है। ये थे हमारे डिटर्मिनेशन फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। मुझे फटाफट से बताओ क्लियर है? अरे बोलो ना, रिवाइज करवा रहा हूँ आपको पूरा चैप्टर यार, फटाफट से बताओ क्लियर है? कुछ तो बोलो भाई, भूलना नहीं है ना। तो जो हमने पहले के 2 चैप्टर्स करे हैं उनकी रिवीजन भी बहुत जल्दी कराऊंगा मैं आपको, ताकि आप भूल ना जाओ, ठीक है। आ जाओ फटाफट से लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड में हमने क्या पढ़ा सर? लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा सर बहुत ही सिंपल सा लॉ ऑफ डिमांड था कि भाई लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि प्राइस और आपके क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशन होता है। क्या होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। जब आप अपने प्राइसेस को इंक्रीज करोगे तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है, लोग कम खरीदेंगे, ठीक है। और अगर अपने प्राइस को डिक्रीज कर दोगे तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाती है, इनवर्स रिलेशन है। ये आपको बोला किसने? लॉ ऑफ डिमांड ने। मैंने आपको डिमांड शेड्यूल बना के दिखा दिया था, हमने डिमांड कर्व भी सीख लिया था। डिमांड कर्व का सिंपल सा मतलब होता है सर कि आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो, आप एक ग्राफ के फॉर्म में बता रहे हो कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में क्या रिलेशन है। ये हमने कल की क्लास में किया। मुझे फटाफट से एक एमसीक्यू बताओ, डिमांड कर्व की स्लोप क्या होती है? डिमांड कर्व की स्लोप क्या होती है? स्लोप क्या होती है ये बताओ फटाफट से। जो स्लोप होती है वो क्या होती है? डाउनवर्ड अपवर्ड स्टेट क्या होती है? क्या होती है? नेगेटिव पॉजिटिव, बोलो फटाफट से बोलो, क्या होती है सर? डाउनवर्ड होती है, मतलब नेगेटिव होती है। डाउनवर्ड स्लोप का मतलब क्या होता है सर? नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव स्लोप का मतलब क्या होता है कि जो आपके एक्स एक्सिस में है और जो आपके वाई एक्सिस में है उन दोनों में नेगेटिव रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है कि अगर एक एक्सिस को बढ़ाओगे तो दूसरा एक्सिस कम हो जाएगा। प्राइस और क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशन है। हाँ सर है कि प्राइस को बढ़ाओगे तो डिमांड कम, प्राइस कम तो डिमांड ज़्यादा। दिस इज इनवर्स रिलेशन, इसीलिए वो क्या है, डाउनवर्ड है, नेगेटिव है। बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है ठीक है। फिर हमने मार्केट डिमांड पढ़ा कि सर मार्केट डिमांड और कुछ नहीं है। मार्केट डिमांड मतलब टोटल ऑफ इंडिविजुअल डिमांड्स। भाई देखो मार्केट का मतलब क्या है, द ग्रुप ऑफ कस्टमर्स। अगर आप एक मार्केट की बात करते हो तो भाई उसमें जितने भी बायर्स हैं उनका टोटल कर लोगे तो दैट इज मार्केट, राइट। तो मार्केट डिमांड का मतलब क्या हो गया कि आपने देखा जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उन सब की डिमांड कितनी है और उन सब की डिमांड को अगर आप ऐड कर दोगे दैट वुड बी मार्केट डिमांड। ठीक है सर, ये भी हो गया। आ जाओ फटाफट से आ जाओ। उसके बाद हमने एक टॉपिक शुरू किया था रेशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। रेशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड का मतलब था कि यार ये डिमांड मतलब लॉ ऑफ डिमांड क्यों काम करता है, इसके पीछे का लॉजिक बताओ सर, ऐसा क्यों होता है सर कि प्राइस कम होता है तो मैं ज़्यादा खरीदता हूँ। ये तो ऑब्वियस है लेकिन लॉजिक बताओ। आपने क्या देखा, देखो भाई देखो ध्यान से मेरी बात सुनो। सबसे पहले था हमारा प्राइस इफेक्ट ऑफ फॉल इन प्राइस, कि जो प्राइस इफेक्ट होता है इसमें दो चीज़ें होती है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब क्या था, देखो भाई जब आपने अपना प्राइस कम कर दिया, आपने अपने गुड्स का प्राइस कम कर दिया तो भाई अगर आपका कोई सब्स्टिट्यूट है तो उसके कंपैरिजन में आपके जो गुड्स का प्राइस है वो कम हो गया, राइट। तो अगर लेट्स से टी और कॉफ़ी है, आपने अगर टी का प्राइस कम कर दिया तो जो लोग कॉफ़ी पी रहे थे वो भी अब क्या पियेंगे, चाय पियेंगे, ठीक है, वो भी क्या पियेंगे, चाय पियेंगे। इसमें हम क्या एज्यूम करके चल रहे हैं कि भाई टी और कॉफ़ी अपने बहुत ही ज़्यादा क्लोज सब्स्टिट्यूट है और बाकी इंपॉर्टेंट क्या है कि बाकी सारे फैक्टर्स आपके क्या हैं, कांस्टेंट। आप अपने टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को बीच में नहीं लेकर आओगे, इनकम को बीच में नहीं लेकर आओगे, एक्सपेक्टेशन को बीच में नहीं लेकर आओगे, किसी को बीच में नहीं लेकर आओगे, किसी को भी बीच में लेके नहीं आना। लॉ ऑफ डिमांड की मेन असम्पशन यही होती है कि भाई बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट हैं, बस प्राइस मेरा चेंज हो रहा है, मेरा प्राइस चेंज हो रहा है, दैट इज लॉ ऑफ डिमांड। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में क्या हुआ कि भाई अगर मेरा कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट है, अगर मैंने अपना प्राइस कम कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है ना सर कि मेरी डिमांड बढ़ेगी, जो लोग मेरे सब्स्टिट्यूट गुड्स को खरीद रहे थे अब वो भी मेरे पास आ जाएंगे। इसका एग्जाम्पल हमने जियो एयरटेल का लिया था, जियो वोडाफोन का लिया था कि भाई जब जियो ने अपने प्राइस कम कर दिए थे तो वोडाफोन एयरटेल वाले जियो के पास आ गए थे, राइट, ठीक है। इसके बाद क्या था, इनकम इफेक्ट। सर इनकम इफेक्ट का मतलब क्या था, इनकम इफेक्ट का मतलब बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, बहुत ज़्यादा सिंपल था कि भाई क्या होता है कि जब किसी भी गुड्स का प्राइस कम होता है तो आपको क्या लगता है कि आपकी एक तरीके से इनकम बढ़ गई। सर कैसे, बहुत सिंपल है, अगर आप कोई सामान 100 रुपये का खरीद रहे थे, 100 रुपीज़ का आप कुछ परचेज कर रहे थे, मान लो 100 रुपीज़ की आपको चॉकलेट लेनी होती थी, आपको चॉकलेट देनी होती थी किसी को, समझ रहे हो ना, सबको देनी होती है भाई, कभी ना कभी तो दी होगी ना आपने किसी को, नहीं तो दोगे आगे जाके, तो चॉकलेट देनी होती है सर, बिल्कुल देनी होती है। अब वो चॉकलेट पहले 100 रुपये की आती थी, अब मान लो वो चॉकलेट 50 रुपये की हो गई, कितने की हो गई, 50 की हो गई, 70 रुपये की हो गई, 80 की हो गई, प्राइस कम हो गया। तो अब आपको क्या लगता है, अरे 50 रुपये की हो गई तो क्यों ना 2 खरीद लूँ, अरे 2 खरीद लेता हूँ ना सर, 2 दे दूंगा, खुश हो जाएगी वो, येस और नो, तो भाई 2 दे देते हैं, ऐसा करते हैं। तो आप क्या कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आपकी इनकम 50 रुपये से बढ़ गई इसलिए आपने गुड्स और खरीद लिए। तो अगर किसी का प्राइस कम हो जाता है तो उसमें इनकम इफेक्ट आता है कि यार मेरी तो इनकम बढ़ गई, पहले तो मेरा 100 रुपये खर्च हो रहे थे अब मेरे 50 रुपये खर्च हो रहे हैं, तो एक तरीके से आपको क्या फीलिंग आती है कि मेरी 50 रुपये इनकम बच रही है, राइट, तो क्यों ना उसको भी खर्च कर लिया जाए। और आप क्या ले लेते हो, आप 2 चॉकलेट परचेज कर लेते हो, दैट इज इनकम इफेक्ट। मतलब प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ गई, बिल्कुल बढ़ गई। उसके बाद है यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर, इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, पहले भी पढ़ रखा है आपने, आगे भी हम पढ़ेंगे, दोबारा से पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। तो सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल सी बात है कि क्या होता है कि जब आप कोई प्रोडक्ट कंज्यूम करते हो, कोई भी गुड्स कंज्यूम करते हो, कोई प्रोडक्ट कंज्यूम करते हो या कोई भी गुड्स कंज्यूम करते हो, तो उसमें होता ये है मेरे दोस्त कि भाई जब पहली बार उसको खाते हो या कुछ भी पीते हो, कुछ भी आप कंज्यूम करते हो, ठीक है, आप बेशक लेट्स से कि अभी मुझे बहुत प्यास लग रही है, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है तो मैं नारियल पानी पी रहा हूँ। जब मैंने नारियल पानी पहली बार पिया, अरे अरे क्या मज़ा आया, लेकिन जब मैं उसके बार पीता रहूँगा, उसको बाद में पीऊँगा, उतना मज़ा नहीं आएगा, मुझे उतना मज़ा नहीं आएगा। सिमिलरली जब आप पहली चॉकलेट खाते हो, ओह मज़ा ही आ जाता है, उसके बाद दोबारा खाने का मन नहीं करता। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सर इतना सा है कि जब आप प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हो तो आपकी यूटिलिटी, आपकी यूटिलिटी कम होती है, आपकी सेटिस्फैक्शन कम हो जाती है। तो भाई अगर मुझे पहली यूनिट कंज्यूम करने से मुझे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही है तो उसके लिए मैंने आपको पैसे दिए, लेकिन दूसरी यूनिट कंज्यूम करने से मुझे सेटिस्फैक्शन कम मिल रही है तो भाई मैं आपको उसके लिए पैसे कम ही दूंगा। उसके लिए मैं क्या करूंगा, पैसे तो कम ही दूंगा, आपको पूरे पैसे नहीं दूंगा मैं। बात समझ में आई? इसीलिए अगर आप चाहते हो कि बायर्स और खरीदें तो आपको उसका प्राइस कम करना होगा। एग्जाम्पल लिया था हमने किसका, कि भाई जब आप शॉपिंग करने जाते हो तो एक प्रोडक्ट पे कभी डिस्काउंट नहीं होता, बहुत रेयरली होता है। उसमें क्या होता है, जब दो खरीदोगे तो डिस्काउंट मिलेगा, तीन खरीदोगे तो डिस्काउंट मिलेगा। इसका मतलब क्या है, उनको भी पता है कि जब आप बाकी एक के बाद यूनिट्स परचेज करोगे तो उसके लिए आपको पैसे कम ही देने पड़ेंगे, आप पूरे पैसे नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि उनसे हमें सेटिस्फैक्शन कम मिलती है। बात समझ में आ गई? सिंपल सी बात है, ठीक है। उसके बाद है अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर्स। एग्जाम्पल क्या लिया था हमने, एग्जाम्पल लिया था इसमें आईफोन का, कि मेरे को आईफोन खरीदना है लेकिन मेरे बजट के बाहर है, अभी मेरे बजट के बाहर है। मेरा बजट मान लो 30,000 रुपीज़ का है, आईफोन 40,000 का है। तो अगर आईफोन 40 से 30 पे आ गया तो मैं भी आईफोन खरीदूंगा। इसका मतलब आईफोन का नया कस्टमर आ गया। तो जब क्या होता है कि जब किसी गुड्स के प्राइस कम हो जाते हैं, तो जो कस्टमर्स पहले नहीं खरीद पा रहे थे अब वो भी खरीद पाते हैं। दैट इज अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर्स और डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है। फोर्थ, डिफरेंट यूजेस। एग्जाम्पल किसका लिया था, मिल्क का, कि भाई आज आप मिल्क कंज्यूम कर रहे हो लेकिन सिर्फ चाय पीते हो और दूध पीते हो, राइट। अगर कल को उसका प्राइस कम हो जाएगा तो फिर आप खीर भी बनाओगे और कस्टर्ड भी बनाओगे, मतलब उसकी डिमांड बढ़ाओगे कि भाई अब तो सस्ता हो गया और खरीद लेते हैं। तो अगर किसी प्रोडक्ट के डिफरेंट यूजेस होते हैं तो जब उसका प्राइस कम होता है तो लोग उसे ज़्यादा खरीद लेते हैं ताकि हम सारे यूजेस को कंज्यूम कर सकें, सारे पर्पस को यूज़ कर सकें। ठीक है, ये हो गया सिंपल डिफरेंट यूजेस। इलेक्ट्रिसिटी का भी एग्जाम्पल मैंने इसमें लिया था। उसके बाद लास्ट टॉपिक जो हमने कल किया था, दैट वाज एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, कि भाई आपने तो बोल दिया कि लॉ ऑफ डिमांड काम करता है, क्या हमेशा करता है? नहीं सर, हमेशा नहीं करता है वो। सर कब नहीं करता? सबसे पहले था कॉन्स्पिक्यूअस गुड्स। कॉन्स्पिक्यूअस गुड्स का मतलब क्या था भाई? कॉन्स्पिक्यूअस गुड्स का मतलब वही, अरे अमीर लोगों के नखरे, कि भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर वो महंगा होगा अरे तभी खरीदेंगे, नहीं तो नहीं खरीदेंगे। अगर आपने देखा हो जो ये गुची की आप जैकेट वैकेट देखते हो, अरे ये मिल जाती है चांदनी चौक में 100 रुपये की, अरे वही डिज़ाइन बिक रहा होता है ना 200-300 रुपये का, है ना। जो उनके बैग्स आते हैं महंगे वही बैग्स आपको मिल रहे होते हैं कहीं पे, यस और नो, मतलब जो मार्केट होती है पालिका बाजार ये सब हर जगह मिल रहे होते हैं भाई, लेकिन वो क्या वहाँ से खरीदेंगे? नहीं, जहाँ से महंगा मिलेगा तो भाई वहीं से खरीदेंगे। अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस कम हो गया तो वो नहीं खरीदेंगे भाई। अगर कल को BMW मर्सिडीज 10-10 लाख रुपए की मिलने लग गई तो आपको क्या लगता है कि ये सारे के सारे बड़े लोग BMW मर्सिडीज में घूमेंगे? नहीं, फिर ये और महंगी गाड़ी लेंगे। क्या लेंगे? और महंगी गाड़ी लेंगे भाई, इनको अलग दिखना है। तो भाई कॉन्स्पिक्यूअस गुड्स मतलब कहाँ, जहाँ पे आपका वेबलन इफेक्ट लगता है। क्या लगता है? वेबलन इफेक्ट लगता है, स्नोब इफेक्ट लगता है, कि भाई जो अमीर लोग हैं वो उसको तभी खरीदते हैं जब उसका प्राइस ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करा, बिल्कुल नहीं करा। ठीक है, इसके बाद है गिफन गुड्स। गिफन गुड्स का मतलब क्या था, ये हमने बहुत डिटेल में एग्जाम्पल के साथ कल समझा था। ठीक है, कि भाई गिफन गुड्स में क्या होता है, कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जिनकी जो क्वान्टिटी डिमांडेड है वो इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन प्राइसेस। सर एग्जाम्पल हमने ब्रेड का लिया था, मैंने आपको पूरा एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करके दिखाया था कि आपके पास 100 रुपये हैं और वो सब चीज़ें। अगर किसने कल की क्लास नहीं देखी तो कल की क्लास देख लेना, ठीक है। ब्रेड का एग्जाम्पल मैंने इसमें लिया था कि भाई गिफन गुड्स क्या होते हैं, हाईली इन्फीरियर गुड्स। ठीक है, अब क्या होता है, अगर उनके प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो आपको उनको ज़्यादा खरीदना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसके कंपैरिजन में बाकी के गुड्स के प्राइसेस अभी भी बहुत ज़्यादा है। आप किसी और गुड्स पे शिफ्ट नहीं हो सकते हो, आप कुछ और खरीद ही नहीं सकते हो, राइट। जैसे हमने कल एग्जाम्पल लिया था जूस का, जूस 100 रुपये का है, ब्रेड 50 रुपये की है। अगर ब्रेड महंगी भी हो जाएगी तो बेटा आपको ब्रेड ही लेनी पड़ेगी, आप जूस पे शिफ्ट नहीं हो सकते हो क्योंकि जूस अभी भी बहुत महंगा है। तो इसमें असम्पशन क्या है, इसमें असम्पशन ये है कि आपका कोई भी सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे ये असम्पशन आपको मान के चलनी होती है। तो गिफन में क्या होता है कि भाई अगर प्राइस बढ़ा तो डिमांड बढ़ाओगे, ये हमने कल डिटेल में समझा था। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि भाई सारे गिफन गुड्स इन्फीरियर होते हैं, चीप क्वालिटी के, लेकिन सारे इन्फीरियर गुड्स गिफन नहीं होते। हाँ यार ना, कल हमने ये समझा था कि भाई सारे के सारे गिफन गुड्स इन्फीरियर तो होते हैं, लेकिन सारे इन्फीरियर जो हैं वो गिफन गुड्स नहीं होते। सारे इन्फीरियर गुड्स पे लॉ ऑफ डिमांड ऐसा नहीं है कि नहीं लगेगा। सारे इन्फीरियर गुड्स एक्सेप्शन में नहीं आते हैं, कुछ कुछ इन्फीरियर गुड्स लॉ ऑफ डिमांड फॉलो करते हैं। वो और बात हो गई, वो हमने कल डिस्कस किया था। अभी हम रिवाइज कर रहे हैं तो इसलिए मैं स्पीड में चल रहा हूँ। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे पहली बार क्लास देख रहा है तो बेटा हम ये पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं, ये हमने कल कवर कर लिया था, इसको हम फटाफट से बस रिवाइज कर रहे हैं। उसके बाद है कॉन्स्पिक्यूअस नेसेसिटीज़। सर ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अब आपकी लाइफस्टाइल बन चुकी है, इसके बिना आप रह नहीं सकते हो। सर फोन, सर लैपटॉप, रेफ्रिजरेटर, फैन, ट्यूबलाइट, ये सब क्या है? नेसेसिटीज़ हैं। इंटरनेट, इसके बिना आप नहीं रह सकते हो। तो इन केस अगर आपके इंटरनेट का प्राइस बढ़ भी गया तो नेट यूज़ नहीं करोगे क्या? अरे सर करना पड़ेगा, सर क्लास कैसे देखेंगे आपकी, है ना? तो ये क्या हो गया, इनकी हैबिट बन गई है। अब इनकी हैबिट बन गई है क्योंकि आप इसको यूज़ इतना ज़्यादा करते हो, तो इनका प्राइस बढ़ भी गया तो भी आप इनको खरीदोगे ही खरीदोगे। ठीक है, उसके बाद फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। मैंने आपको बताया था कि ये पॉइंट यहाँ पर नहीं आना चाहिए था लेकिन आया है। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या था कि इन केस आपको लगता है फ्यूचर में डिमांड, फ्यूचर में प्राइस और बढ़ने वाला है। मान लो किसी भी गुड्स का प्राइस बढ़ रहा है, स्टार्ट हो गया बढ़ना, आपको लगता है और बढ़ने वाला है, तो भाई आप उसको खरीदोगे। अगर बढ़ भी रहा है तब भी खरीदोगे, क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है और बढ़ने वाला है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं किया सर, क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है आप फिर भी खरीद रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है फ्यूचर में और बढ़ेगा। सिमिलरली अगर प्राइस गिर रहा है, आपको लगता है और गिरेगा तो आप नहीं खरीदते हो। तो बेशक प्राइस गिर रहा है लेकिन डिमांड नहीं बढ़ रही, क्यों? क्योंकि वो वेट कर रहा है कि और गिरेगा और गिरेगा और गिरेगा। दिस इज फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट दी प्राइसेस। ठीक है, इसके बाद 2-3 पॉइंट और थे बस, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक का शुरू करेंगे। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन एंड इरेशनल बिहेवियर। सर कुछ लोग होते हैं जिनको पता ही नहीं होता है, कुछ नहीं पता होता, बेचारे भोले से होते हैं। ठीक है, भोले से होते हैं, उनको पता ही नहीं है कि इसका एक्चुअल में प्राइस पहले कितना था, उनको पता ही नहीं होता कि प्राइस इंक्रीज हो गया है। उनको ये होता है कि मेरे को आईफोन खरीदना है तो आईफोन खरीदने चले गए, उनको नहीं पता कि आईफोन का प्राइस बढ़ा या कम हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। आपको पता ही नहीं है मार्केट में चल क्या रहा है। तो अगर आपको पता ही नहीं है कि इसका प्राइस अभी इंक्रीज हुआ है तो आप तो खरीद ही लोगे, क्या करोगे? खरीद ही लोगे। इसमें हमने बहुत सारे एग्जांपल्स लिए थे। ठीक है, उसके बाद था डिमांड फॉर नेसेसिटीज़। अब जो नेसेसरी गुड्स होते हैं, जो असेंशियल गुड्स होते हैं, यस और नो कि भाई जो आपका थोड़ा बहुत रोटी कपड़ा मकान है, दूज आर असेंशियल गुड्स, भाई वो तो अपने को चाहिए ना। अब उसके प्राइस बढ़ भी जाए तब भी चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो कुछ लोग होते हैं जहाँ पे जैसे डेली चावल खाते हैं, है ना, डेली चावल खाते हैं, राइस खाते हैं, तो भाई अगर राइस के प्राइस बढ़ जाएंगे वो तब भी वो खाएंगे ही खाएंगे। स्पेक्यूलेटिव गुड्स का मैंने आपको बताया था, जो आपके कंपनी के शेयर्स होते हैं, कंपनी स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि अगर किसी भी कंपनी का शेयर इंक्रीज हो रहा है तो आप खरीदते हो, क्योंकि आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में और इंक्रीज होगा, आपको प्रॉफिट होगा। अगर किसी कंपनी का शेयर डिक्रीज हो रहा है तो आप क्या करते हो कि भाई अभी और गिरेगा, अभी नहीं खरीदते, अभी गिरने दो और गिरने दो। दैट इज स्पेक्यूलेटिव गुड्स। सिंपल सी बात है। फटाफट से मुझे बता दो, हमने अभी तक पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया जो भी हमने पिछले 2-3 क्लासेस में किया है। क्लियर है? ओहो, पूरा ही चैप्टर रिवाइज कर लिया सर, मजा ही आ गया। सब रिकॉल हो गया, बस यही तो करना है भाई, हमें भूलना नहीं है। भूल जाओगे तो फायदा क्या? हमने पहले 2 चैप्टर्स का टेस्ट ले लिया है, लेकिन हम दोबारा से उन चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे तो भूलेंगे नहीं, हम बिल्कुल नहीं भूलेंगे, भूलने नहीं दूंगा मैं आपको। क्लियर सर? चलो भाई आ जाओ, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आ जाओ, बुक से बाद में पढ़ेंगे, पहले आ जाओ नोट पे। ये नोट्स हमने बना लिए, आई होप आपने भी क्लास में बना लिए होंगे। अब मेरी बात सुनो, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। देखो 2 टर्म्स होते हैं मेरे दोस्त, एक होती है डिमांड, अच्छा ओके, और एक होती है क्वान्टिटी डिमांड। सर अलग होती है? हाँ बेटा अलग होती है। हाँ जी, क्या ये आपने 11th में पढ़ा था कि डिमांड और क्वांटिटी डिमांड में क्या फ़र्क होता है? हाँ जी, कोई है? एनीबडी हु वुड लाइक टू आंसर? डिमांड और क्वांटिटी डिमांड में क्या फ़र्क होता है, ज़रा बताएगा मुझे कोई, क्योंकि फ़र्क तो होता है भाई, डेफिनेटली होता है। हाँ जी, 11th में आपने रीड किया था कि सर फ़र्क तो होता है, यहाँ पे भी है, पढ़ना भी है। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, फॉर एग्जाम्पल मैं एक आपको डिमांड कर्व बना के दिखाता हूँ। क्या बना के दिखाता हूँ? डिमांड कर्व, अच्छा, जिसपे आपका लॉ ऑफ डिमांड लगता है। बोलो ना, पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? कोई बच्चा आंसर नहीं कर रहा है, इसका मतलब मुझे लग रहा है नहीं पढ़ा था। ठीक है, देखो भाई देखो, ये आपका क्या हो गया, ये आपका एक छोटा सा डिमांड कर्व हो गया। कहाँ है सर? अभी बनाते हैं, रुको। ये आपने बनाई y एक्सिस और ये आपने बना दी x एक्सिस। ठीक है, हाँ जी ठीक है। अब मुझे बताओ हम क्या करते हैं, हम अपने y एक्सिस पे क्या लिखते हैं, हमने कल डिस्कस किया था, और x एक्सिस पे क्या लिखते हैं, y पे हम लिखते हैं प्राइस, बिल्कुल सही बात है सर, और x पे लिखते हैं क्वांटिटी, यस सर यस। मान लेते हैं कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि लेट्स से ये तो होगा आपका जीरो प्राइस हो गया, ठीक है। अच्छा धारवी ने मुझे बताया है एक पर्टिकुलर क्वांटिटी के लिए पर्टिकुलर टाइम पे डिमांड होती है, ओके धारवी ऑलमोस्ट ठीक है, जीरो ओके। मान लो आपका प्राइस यहाँ पे है 10, ऑल राइट, दिस इज 20 ओके, और एक और लेते हैं 30। क्वान्टिटी आपकी कितनी है सर, 1 2 3, सिंपल सी ठीक है अब मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनो, एक सिंपल सा डिमांड कब बनाएंगे, कि जब आपका जो प्राइस था वो 30 रुपीज़ था तो आपकी क्वांटिटी वन क्वांटिटी थी, ठीक है। आपका जब प्राइस 20 था तो वो 2 क्वांटिटी थी, और 10 पे 3 थी, ठीक है 10 पे 3 थी ओके अब यहाँ पे अगर 40 था तो 0 क्वांटिटी थी, ये सब हो गया। तो हमने क्या किया, हमने एक डिमांड कर्व बना लिया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा डिमांड कर्व हो गया। चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है, ये डिमांड का हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, मैंने इसको क्या बोला है, मैंने इसको बोला है डिमांड कर्व, क्या बोला, डिमांड कर्व, मैंने इसको क्वांटिटी डिमांड कर्व तो नहीं बोला सर, क्यों नहीं बोला, मेरी बात सुनो, अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं बात करता हूँ डिमांड की, ठीक है डिमांड की, तो डिमांड का मतलब होता है कि भाई बायर जो है, जो बायर्स हैं वो कितनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स आपके खरीदना चाहते हैं एट डिफरेंट प्राइसेस। सर मतलब मान लो ये डिमांड किसकी है, ये डिमांड आपकी चॉकलेट्स की है, किसकी है, चॉकलेट्स की, अच्छा ठीक है। तो डिमांड क्या, आप क्या बोलोगे, डिमांड कितनी है कि सर टोटल डिमांड जो हमारी है वो इस तरीके से है कि 3 क्वांटिटी डिमांडेड है एट ₹10, 2 है एट ₹20, 1 है एट ₹30, ठीक है। और ये पूरा जो कर्व है, दैट इज डिमांड कर्व, क्योंकि ये पूरा का पूरा कर्व क्या डिनोट कर रहा है, डिमांड को, क्या डिनोट कर रहा है, डिमांड को। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा, सर ये बताओ ना कितनी डिमांड है, तो आप अपनी पूरी डिमांड बताते हो कि चॉकलेट्स की इतनी डिमांड है एट अलग अलग प्राइसेस, है ना, इस प्राइस पे इतनी डिमांड, इस प्राइस पे इतनी डिमांड, टोटल कितनी डिमांड है, दैट इज डिमांड। जब मैं टोटल डिमांड की बात करता हूं दैट इज डिमांड। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मुझे ये बताओ एट ₹30, 30 रुपए के प्राइस पे आपके प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है, तो आप क्या बोलोगे सर 1। सो दिस 1 इज एक्चुअली क्वांटिटी डिमांडेड। ध्यान से दोनों में डिफरेंस समझो सर, क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब होता है कि एट अ पर्टिकुलर प्राइस, आपके प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, that is quantity demanded. So when I am talking about demand in respect of prices, कि भाई इस प्राइस पे इसकी इतनी डिमांड है, तो उसको मैं बोलता हूँ क्वांटिटी डिमांडेड। इस प्राइस पे इतनी डिमांड है, तो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर प्राइस कि सर 30 रुपीज पे कितनी डिमांड है, तो आप क्या बोलोगे 1। सो दिस 1 इज क्वांटिटी डिमांडेड एट ₹30, क्वांटिटी डिमांडेड एट ₹30। या मैं बोलूंगा कि भाई 2 quantities demanded at ₹20, 3 quantities demanded at ₹10, अगर लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ कि भाई total demand is 6 quantities, at different prices, at given prices, ठीक है। क्या बोलूँगा, chocolates की demand is 6 quantities at given prices, at different prices। तो जब मैं पूरे प्रोडक्ट की डिमांड की बात कर रहा हूं तो मैं वर्ड यूज करता हूं, किसको, मैं वर्ड यूज करता हूं डिमांड। बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट क्वांटिटी डिमांड, आई एम टॉकिंग अबाउट कि एक पर्टिकुलर प्राइस पे उसकी कितनी डिमांड है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन दोनों का डिफरेंस समझना। क्या आपको समझ में आया, क्या दोनों का मीनिंग समझ में आया कि डिमांड मतलब कि आपके प्रोडक्ट की अलग अलग प्राइसेस पे टोटल डिमांड कितनी है, आपके प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है। बट अगर मैं एक पर्टिकुलर प्राइस की बात करता हूँ, तो दैट इज क्वांटिटी डिमांडेड। क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड। एंड दिस इज द रीजन कि इसको क्या बोलते हैं, डिमांड कर्व, क्योंकि ये कर्व आपके टोटल डिमांड को डिनोट करता है कि आपके प्रोडक्ट की टोटल डिमांड कितनी है, राइट, एट अलग अलग प्राइसेस, बट अगर मैं फॉर एग्जाम्पल बात करता हूँ कि सर 20 रुपीज पे, दैट क्वांटिटी डिमांडेड इज ₹2, द क्वांटिटी डिमांडेड इज ₹2। तो जब मैं एक पर्टिकुलर प्राइस की बात करूंगा तो 2 क्वांटिटी डिमांडेड। क्या मेरी बात समझ में आ गई, हाँ जी, बोलो बोलो बोलो, जल्दी जल्दी बोलो ना। समझ में आया क्या? समझ में आ गया? राइट, ठीक है, क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है ना वो इसी से रिलेटेड है मेरे दोस्त, इसी से रिलेटेड है। ठीक है, अब मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनो। अब हमें पढ़ना है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। जो मैंने आपको सिखाया वो इसलिए सिखाया, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अच्छा 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 सर, क्या मतलब है इसका? बहुत ही सिंपल सा मतलब है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल इसको हम नाम देते हैं कि दिस इज लेट से, ये आपका है पॉइंट ओ और ये है आपका लेट से पी। ठीक है, ओ पी। अब थोड़ा सा नाम डिनोट करेंगे, ओ पी। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा और इसको मानते क्यू, तो आप क्या बोलोगे? एट प्राइस ओ पी, जब प्राइस आपका ओ पी था, ओ पी मतलब कि प्राइस जब 20 था, तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी? क्यू, ओ क्यू। मतलब एट प्राइस पी क्वांटिटी डिमांडेड इज ओ क्यू। अब मैं क्वांटिटी डिमांडेड वर्ड यूज कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर प्राइस की बात कर रहा हूं कि भाई एट प्राइस पी द क्वांटिटी डिमांडेड इज ओ क्यू, दैट इज 2 क्वांटिटीज। ओ क्यू इज 2 ना, ये ओ है, ठीक है, और ये आपका 2 में मैंने क्यू लिख दिया, तो ओ क्यू। बात समझ में आई? तो एट प्राइस पी द क्वांटिटी डिमांडेड इज ओ क्यू। अगर आपने प्राइस को क्या कर दिया? पी वन मतलब इंक्रीज कर दिया। जब आपने अपने प्राइस को इंक्रीज किया P1, तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। ये क्या हो गई? डिक्रीज। मान लो दिस इज Q1, तो कितनी हो गई? OQ1। कितनी हो गई? OQ1। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने क्या बोला आपको कि भाई पहले आपका प्राइस P था, तो एट प्राइस P द क्वांटिटी डिमांडेड इज OQ, मतलब 2 क्वांटिटीज। OQ को क्या मतलब है ना? 2 क्वांटिटीज। एट प्राइस P1, जब आपका प्राइस P1 हो गया, प्राइस इंक्रीज हो गया, तो क्या हुआ? आपकी जो डिमांड है वो क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। बोलो हाँ या ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2 से कहाँ चली गई? 1 पे। 2 से कहाँ चली गई? 1 पे चली गई। बोलो हाँ या ना? 2 से कहाँ चली गई? 1 पे। अगर आपने अपना प्राइस इंक्रीज कर दिया तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी हो गई? कम हो गई। क्या हो गई सर? क्वांटिटी डिमांडेड आपकी कम हो गई। तो एट प्राइस OP the quantity demanded was OQ, at price P1 the quantity demanded is OQ1. ये बात सबको समझ में आती है? ठीक है, अब मेरी बात सुनो। तो ये जो आपका क्या हुआ है, आपकी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हुई है। क्या बोला मैंने? कि ये जो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हुई है, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। क्या बोलते हैं इसको? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? सुकड़ गया, है ना। कॉन्ट्रैक्शन मतलब कम हो गई। क्या हो गई? कम हो गई। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का मतलब क्या है? जब आपकी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है। क्या हो जाती है? क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है, मतलब फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ क्वांटिटी डिमांडेड, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर प्राइसेस की बात हो रही है कि भाई जब प्राइस यहाँ से यहाँ हुआ तो क्वांटिटीज कम हो गई, तो दिस इज फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड थी वो 2 से कितनी हो गई? 1 हो गई। 2 से कितनी हो गई? 1 हो गई। तो दिस इज फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। क्या यहाँ तक समझ में आया? जल्दी से मुझे बोलो, क्या यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? जल्दी जल्दी बताओ। मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ क्योंकि नया टॉपिक है। पहले हम फास्ट चल रहे थे क्योंकि हम पहले रिवाइज कर रहे थे, अब मैं थोड़ा स्लो चलूंगा क्योंकि नया टॉपिक है। हाँ जी, बोलो ना। यस सर, क्लियर है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन देखो क्या आता है, MCQ आ चुका है एक बारी। सुनो मेरी बात, आपसे पूछेंगे कि सर जब फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड होता है तो डिमांड कर्व में जो मूवमेंट है वो कैसे होती है? मतलब जब आपका कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड होगा तो डिमांड कर्व में मूवमेंट कैसी होगी? देखो, दिख रहा है क्या आपको? हाँ, कैसी होगी? अपवर्ड मूवमेंट। आपकी क्वांटिटी 2 से कहाँ चली गई? 1। वैसे तो क्वांटिटी क्या हो रही है? कम हो रही है, क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, लेकिन आप देखोगे डिमांड कर्व में, तो डिमांड कर्व में क्या हो रही है? अपवर्ड मूवमेंट हो रही है। क्या हो रही है? अपवर्ड मूवमेंट। तो इसका मतलब फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड में क्या होता है? आपका अपवर्ड मूवमेंट होता है, अपवर्ड मूवमेंट इन द डिमांड कर्व, अपवर्ड मूवमेंट इन द डिमांड कर्व, यस और नो, इतनी बात समझ में आती है, अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। एमसीक्यू आ चुका है, क्या आ चुका है, आपसे पूछते हैं कि अपवर्ड या डाउनवर्ड, तो आपको पता होना चाहिए अलोंग द डिमांड कर्व। तो फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड से क्या होता है, अपवर्ड मूवमेंट। बात समझ में आ गई, तो भाई कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड बोलो, आप बोलो फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड या अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड का। बात सिंपल सी है कि जब आप प्राइस को बढ़ाओगे तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। बात वही है। सिमिलरली अगर मैं बोलता हूँ एक्सपेंशन, मैं क्या बोलता हूँ, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, ठीक है, एक्सपेंशन। देखो बहुत ही आसान है लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है। एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, ओके ओके सर। एक्सपेंशन का मतलब क्या है, एक्सपैंड होना मतलब बढ़ना, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। तो एक्सपेंशन ऑफ डिमांड क्या हो रही थी, देखो 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 देखो, जब आपने क्या किया, जब आपका प्राइस कम हुआ, मान लो 10 रुपीज़ हो गया, ठीक है, इसको मैं क्या लिख देता हूँ, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ P2, क्या लिखता हूँ P2। तो जब आपका प्राइस P2 पे आ गया तो आपकी डिमांड 3 हो गई, मतलब Q3 मान लो, OQ3, क्या हो गई, बढ़ गई, क्या हो गई भाई, बढ़ गई, राइट। तो जब आपने प्राइस को कम किया, देखो देखो प्राइस को कम किया तो आपकी जो डिमांड है वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, इंक्रीज हो गई। तो कितना डाउनवर्ड मूवमेंट हुआ, क्या हुआ, डाउनवर्ड मूवमेंट हुआ। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड का मतलब होता है इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और क्यों, क्योंकि आपने प्राइस को कम कर दिया ना, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। सही बात है सर, सही बात है। अब अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि भाई कौन सी मूवमेंट हो रही है, तो देखो देखो डिमांड कर्व में डाउनवर्ड मूवमेंट हो रही है, क्या हो रही है, डाउनवर्ड, नीचे आया ना बेटा, ये क्या आ गया, नीचे आ गया, क्या आ गया, नीचे आ गया, बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही, नीचे आ गया। तो ये डाउनवर्ड मूवमेंट हो रही है, तो यहाँ आप क्या लिखोगे, डाउनवर्ड मूवमेंट। कई बार बच्चे पता है क्यों कंफ्यूज होते हैं, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका डिमांड डिक्रीज हो रही है, ठीक है, तो बच्चे क्या सोचते हैं कि भाई अगर डिमांड डिक्रीज हो रही है तो डाउनवर्ड मूवमेंट होगा, नहीं, यही गलती नहीं करनी। अगर डिमांड आपकी कम हो रही है, फॉल हो रही है, फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड है, तो वो अपवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट शो होता है, क्या होता है, अपवर्ड मूवमेंट शो होता है। लेकिन अगर मैं एक्सपेंशन ऑफ डिमांड की बात करता हूँ, जब डिमांड बढ़ती है तो वहाँ पे डाउनवर्ड मूवमेंट शो होता है। इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि एमसीक्यू आता है इसका, और ध्यान रखना डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, अलोंग द डिमांड कर्व। सर आसान है, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, बोलो हाँ या ना, यहाँ तक क्लियर है, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन क्लियर है क्या, बोलो ना, बोलो बोलो फटाफट बोलो। एक्सपेंशन ऑफ डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड क्लियर है कि क्या होता है, ठीक है, अलग अलग नाम है उसके, कि भाई हम कॉन्ट्रैक्शन को बोलते हैं डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड और अपवर्ड मूवमेंट, एक्सपेंशन को बोलते हैं इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड और डाउनवर्ड मूवमेंट। क्लियर है एवरीबॉडी, ठीक है। अब मैंने आपको डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड में डिफरेंस क्यों समझाया, अब मेरी बात सुनो, वो अब काम आएगा। देखो नेक्स्ट है हमारा इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड, अच्छा, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड, ऑल राइट। सर इसका क्या मतलब है, अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, वो था एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। तो बेटा अगर आपसे पूछा जाए कि एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है, तो आप क्या बोलोगे, सर एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है जब अपने ही गुड का प्राइस चेंज होता है, चेंज इन ओन प्राइसेस, चेंज इन ओन प्राइसेस, बोलो हाँ या ना, कि भाई मेरे गुड्स का प्राइस चेंज हुआ तभी मेरा एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन हुआ, क्या हुआ, एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन हुआ। ध्यान रखो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है जब डिमांड कर्व में ही आपकी मूवमेंट होती है, डिमांड कर्व में ही कभी आप ऊपर जा रहे हो कभी नीचे आ रहे हो, डिमांड कर्व में ही ऊपर नीचे घूम रहे हो, दैट इज क्या बोला मैंने, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। अपने प्राइसेस चेंज हुए हैं, अपने गुड्स के प्राइसेस चेंज हुए, दैट इज एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन मेरे दोस्त अगर मैं बात करता हूँ इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड कर्व की, तो देखो एक डिमांड कर्व मैं दोबारा बनाता हूँ, देखो हम एक डिमांड कर्व दोबारा बनाते हैं, राइट, ओके, ठीक है। ये आ गया आपका 0, यहाँ आपने लिख दिए 10 और यहाँ लिख दिए 20, ओके, यहाँ पे हमने लिख दिया 1 क्वांटिटी, यहाँ पे लिख दिया 2 क्वांटिटी, ये यहाँ कर दिया, ठीक है, ये यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया। सिंपल सा मैंने क्या किया, एक डिमांड कर्व बनाया, एक बहुत ही सिंपल सा डिमांड कर्व बनाया। अच्छा ठीक है सर, आपने बनाया डिमांड कर्व, अब मेरी बात सुनो, जब वो बोल रहा है इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड, तो ये बोल रहा है डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज होना ड्यू टू अदर फैक्टर्स। क्या बोल रहा है, ड्यू टू अदर फैक्टर्स। सर मतलब समझ में नहीं आया, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मान लो अब बायर की इनकम इंक्रीज हो गई है, नॉर्मल गुड्स की डिमांड है, बायर की इनकम इंक्रीज हो गई। मुझे बताओ, सोच समझ के बताओ, अगर बायर की इनकम इंक्रीज हो गई तो होगा क्या, पहले वो 20 के प्राइस पे एक ही क्वांटिटी परचेज कर रहा था, क्या कर रहा था, 20 के प्राइस पे एक क्वांटिटी परचेज कर रहा था, अब वो 20 के ही प्राइस पे ज्यादा क्वांटिटी परचेज करेगा, बोलो हाँ या ना। अब 20 के ही प्राइस पे मान लो वो कितनी क्वांटिटी परचेज करेगा, अब वो 2 क्वांटिटीज परचेज करेगा 20 के प्राइस पे, यस और नो, राइट। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब आपका जो डिमांड कर्व है वो ही चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिमांड कर्व ही शिफ्ट हो जाएगा। ये क्या हुआ, शिफ्ट हो गया, क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। ध्यान से सुन लो, ध्यान से मेरी बात सुन लो, मैंने आपको क्या बोला कि ये आपका डिमांड कर्व है, दिस इज डी डी, डी डी, अब ये शिफ्ट हो गया डी वन डी वन। सर मतलब मेरे भाई ये ध्यान से मेरी बात सुनो, मतलब ये कि यहाँ पे जो आपकी डिमांड चेंज हुई है, डिमांड चेंज हुई है, दिस इज ड्यू टू अदर फैक्टर्स, प्राइस की वजह से चेंज नहीं हुई है, प्राइस तो सेम है, 20 रुपीज का प्राइस है, लेकिन अब 20 रुपीज के प्राइस पे पहले आप 1 क्वांटिटी परचेज कर रहे थे, अब आप 2 क्वांटिटी परचेज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, 2 क्वांटिटी परचेज कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपकी डिमांड इंक्रीज हो गई। तो जब आपका डिमांड कर्व ही शिफ्ट हो गया, क्या हो गया, डिमांड कर्व ही शिफ्ट हो गया, इसको बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड। तो जब आपकी डिमांड चेंज हुई है ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन द प्राइस, फैक्टर्स अदर देन द प्राइस, इनकम आपकी चेंज हो गई, इनकम इंक्रीज हो गई, तो क्या हो गया, आपका डिमांड कर्व ही शिफ्ट हो गया, इसको बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन में क्या था। अच्छा मुझे क्या बताओ, अगर मैं एक्सपेंशन और इंक्रीज इन डिमांड की बात करता हूँ, किसकी, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड और इंक्रीज इन डिमांड। एक्सपेंशन ऑफ डिमांड का मतलब था जब अपने प्राइसेस के चेंज होने की वजह से, प्राइसेस के डिक्रीज होने की वजह से आपकी डिमांड इंक्रीज हुई, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हुई, यस और नो, क्या इंक्रीज हुई, क्वांटिटी डिमांड। अपने ही डिमांड कर्व में आप क्या हो गए, चेंज हुए, अपने डिमांड कर्व में चेंजेस हुआ, दैट इज एक्सपेंशन। जब इंक्रीज और डिक्रीज की बात आती है, सो दिस इज ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन द प्राइसेस, यहाँ पे आपका डिमांड कर्व ही चेंज हो जाता है। क्या दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है, बहुत जरूरी है। अरे बोलो ना यार, मैं इतनी जोर जोर से बोल रहा हूँ, क्या आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है? आ रहा है ना, पक्का ना? यस सर, क्लियर है, पक्का क्लियर है ना? हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए था कि मैं बोल रहा हूँ आपको समझ में ही नहीं आ रहा और मैं बोले जा रहा हूँ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। यस ठीक है, तो इंक्रीज इन डिमांड का मतलब समझ में आ गया, राइट। इंक्रीज इन डिमांड का मतलब क्या हो गया कि जब आपका डिमांड कर्व ही राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है, क्या हो जाता है, आपका राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। क्या हुआ, राइटवर्ड शिफ्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, इंक्रीज इन डिमांड क्या हो जाता है, आपका राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है, राइटवर्ड शिफ्ट। तो अगर आपका डिमांड कर्व ही शिफ्ट हो रहा है तो अब उसी प्राइस पे आप डिफरेंट क्वांटिटीज परचेज कर रहे हो, उसी प्राइस पे आपकी क्वांटिटीज चेंज हो गई, तो दैट इज इंक्रीज इन डिमांड। सिमिलरली डिक्रीज का मतलब क्या होगा, जब आपका क्या हो जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। डिक्रीज इन डिमांड का मतलब क्या होगा कि आपकी डिमांड कम हो गई, डिमांड कम हो गई, बट ड्यू टू अदर फैक्टर्स। मान लो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस आपके अगेंस्ट में है, कंज्यूमर की इनकम कम हो रही है, या फिर सब्सटीट्यूट गुड्स के प्राइस डिक्रीज हो गए, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उससे क्या होगा, आपकी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, तो दैट वुड बी लेफ्टवर्ड शिफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड का, तब वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। अब इससे ना बहुत सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं, बहुत सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। सर कैसे, जैसे एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन में आपसे पूछेंगे कि डिमांड कर्व की मूवमेंट बताओ, अपवर्ड या डाउनवर्ड, वो आपको पता होनी चाहिए, राइट। आपसे पूछेंगे कि भाई फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड, देखो एक होगा फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड और एक है डिक्रीज इन डिमांड। अगर आप देखो तो मतलब आपको सेम लगेगा लेकिन सेम नहीं है, बिल्कुल भी सेम नहीं है। फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड और डिक्रीज इन डिमांड में बहुत फर्क है। फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब है जब आपके अपने प्राइसेस इंक्रीज हो गए इसलिए आपकी डिमांड कम हो गई, है ना, इसलिए आपने आपकी डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। दैट इज अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। बात समझ में आ रही है। लेकिन डिक्रीज इन डिमांड का मतलब क्या है, जब आपका डिमांड कर्व ही लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है, डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन दी प्राइसेस। मैं आपको डिफरेंस समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि एमसीक्यूज गलत ना हो। बात समझ में आ रही है। डिफरेंस आराम से समझ लो, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन और इंक्रीज डिक्रीज में क्या फर्क है। किसी को डाउट है तो फटाफट से बताओ। सर लेफ्ट भी तो शिफ्ट हो सकता है। हाँ बेटा लेफ्ट शिफ्ट हुआ ना, मैंने बोला लेफ्टवर्ड शिफ्ट, मैंने तो बोला ही है लेफ्टवर्ड शिफ्ट। यस सर, क्लियर है पक्का? ठीक है। अब मैं आपको एक टेबल दिखाता हूं, देखो फटाफट से देखो, देखो, एक सेकेंड रुको। राइट, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन मैंने आपको बता दिया, एक बार रीड करेंगे बाद में आराम से। ओके, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड भी मैंने आपको बता दिया, पढ़ लेंगे आराम से। अब आ जाओ इस पे, आपको ये टेबल दिख रही है, देखो आप आ जाओ। सर कभी कमल इनकम स्टेबल रहती है लेकिन डिमांड बढ़ जाती है, कभी कमाल इनकम स्टेबल रहती है लेकिन खान हीरो, वो तो तभी होगा ना दोस्त, बाकी फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे होंगे। राइट, इनकम तो सिर्फ एक ही फैक्टर है, बाकी फैक्टर्स भी तो हो सकते हैं। देखो आओ फटाफट से आओ, ये टेबल क्या है, ये टेबल हमें ध्यान से समझनी है कि दिस टेबल शोज समरीज। अच्छा, दिस टेबल समराइजेज द इफेक्ट ऑफ नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट। तो ये बात करने वाला है। सारे बच्चे बोलो, जब मैं नॉन प्राइस फैक्टर्स की बात कर रहा हूं, फैक्टर्स अदर देन प्राइसेस, तो मुझे बताओ वो इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड होगा या एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन? सारे बोलो भाई, सारे बोलो, जब लिखोगे तो याद रहेगा। बोलो, जब मैं बात कर रहा हूं फैक्टर्स अदर देन प्राइसेस, अपने प्राइसेस, फैक्टर्स अदर देन ओन प्राइसेस, तो भाई मैं इंक्रीज डिक्रीज की बात कर रहा हूं या कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन की? बोलो ना। सब बच्चों ने बोला इंक्रीज एंड डिक्रीज, समझ आ गया इसका मतलब, आ गया ना? ठीक है, तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, इंक्रीज और डिक्रीज की। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंक्रीज और डिक्रीज की। तो इन्होंने क्या बोला, चेंज इन डिटर्मिनेंट्स अदर देन प्राइस दैट कॉजेज इंक्रीज इन डिमांड। तो यहाँ पे इन्होंने वो फैक्टर्स लिखे हैं जिन फैक्टर्स की वजह से आपकी डिमांड इंक्रीज हो सकती है। क्या हो सकती है, डिमांड इंक्रीज हो सकती है। और यहाँ पे इन्होंने फैक्टर्स लिखे हैं जिससे डिमांड डिक्रीज हो सकती है। तो आराम से समझते हैं। पहला क्या है कि इनकम की बात कर रहा है। मुझे बताओ भाई, इनकम अगर आपकी इंक्रीज हो रही है तो डिमांड इंक्रीज होगी, अगर आपकी इनकम आपकी इंक्रीज हो रही है तो डिमांड इंक्रीज होगी। तो राइज इन इनकम इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि भाई हम नॉर्मल गुड्स की बात कर रहे हैं, हम ब्रेड की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे इंफीरियर गिफिन की बात नहीं कर रहे हैं। इनकम बढ़ेगी तो हम नॉर्मल गुड्स की डिमांड को बढ़ाएंगे। तो कौन सा शिफ्ट होगा, राइटवर्ड शिफ्ट। कौन सा शिफ्ट होगा, राइटवर्ड शिफ्ट होगा। लेकिन अगर आपकी इनकम फॉल हो गई इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, अगर नॉर्मल गुड्स के केस में आपकी इनकम कम हो जा रही है तो भाई आप क्या करोगे, फर्नीचर नहीं खरीदोगे ना यार। आपको क्यों रिक्लाइनर चाहिए, आपको कंफर्टेबल सोफा चाहिए, नहीं खरीदोगे, पैसे नहीं है तो नहीं खरीदोगे। बात समझ में आ गई। अब उन्होंने क्या लिखा है, एंड राइज इन इनकम इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स। क्यों लिखा है, ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि हमें पता है कि जब आपकी इनकम डिक्रीज हो जाती है, तो उस पे इंफीरियर गुड्स पे क्या इफेक्ट आता है, और जब इनकम इंक्रीज हो जाती है तो क्या इफेक्ट आता है। तो इन्होंने बोला कि भाई जब आपकी इनकम इंक्रीज हो जाती है, तो गिफन गुड्स की डिमांड कम हो जाती है, इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाती है। बोलो हाँ या ना? राइट, आप इंफीरियर गुड्स नहीं खरीदते हो, फिर आप बढ़िया गुड्स खरीदोगे। अगर आपकी इनकम बढ़ गई तो इंफीरियर थोड़ी खरीदोगे, क्या खरीदोगे, आप खरीदोगे बढ़िया गुड्स। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि अगर इनकम कम हुई, सोचो ना आप, आपकी इनकम कम हुई तो आप नॉर्मल गुड्स तो कम खरीदोगे, बिल्कुल सही बात है, सर। लेकिन अगर इनकम बढ़ी, इनकम अगर आपकी इंक्रीज होती है, क्या होती है, इनकम इंक्रीज होती है, तो एक तो नॉर्मल गुड्स बढ़ेंगे। बोलो हाँ या ना? बात समझ में आ रही है? अरे बोलो ना, हेलो हेलो हेलो, बात समझ में आ रही है ना क्या बोल रहा हूँ मैं कि भाई इन्फीरियर गुड्स में उल्टा होता है। इन्फीरियर गुड्स में क्या होता है कि अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है तो आप गुड्स कम खरीदते हो, आप इन्फीरियर गुड्स कम खरीदते हो। तो अगर आपसे पूछा जाए, मुझे बताओ एमसीक्यू, चलो मुझे बताओ, अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ इन्फीरियर गुड्स की डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो रही है, बताओ ज़रा बताओ भाई, क्या एमसीक्यू है सर? एमसीक्यू है कि इन्फीरियर गुड्स की डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है। आपके एग्जाम्पल हैं एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, रुको ना आप मुझे मत बताओ, मैं एमसीक्यू बताता हूँ आपको। एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, या इंक्रीज इन डिमांड या डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड या डिक्रीज इन डिमांड, हाँ जी। क्या लगता है आपको सब बच्चों ने क्या बोला? मुझे इन चारों में से बताओ इन चारों में से क्या होगा? एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज इन डिमांड या डिक्रीज इन डिमांड। सर डिक्रीज इन डिमांड बिल्कुल सही। क्या होगा? डिक्रीज इन डिमांड होगा। अगर मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं इन्फीरियर गुड्स की बात कर रहा हूँ। इन्फीरियर गुड्स के केस में अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आपकी डिमांड डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन क्यों नहीं आया? क्योंकि फैक्टर्स अदर देन प्राइसेस है, मैं इनकम की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, ठीक है। इसके बाद सेकंड पॉइंट भी ऑलमोस्ट सेम सा है कि इंक्रीज इन वेल्थ इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, ठीक है, वही बात बोल रहा है। अब इन्होंने वेल्थ और इनकम का पॉइंट अलग अलग कर दिया, तो मैं आपको समझाता हूँ कि वेल्थ और इनकम में फर्क क्या है, वेल्थ और इनकम में फर्क क्या है। अब मान लो मेरी जो है, लेट्स से मेरी इनकम मान लेते हैं कि एक साल की 10 लाख रुपीज़ है, मान लेते हैं, मान लो हाइपोथेटिकल है, कितनी है? 10 लाख रुपीज़ है। मैं एक साल में 10 लाख रुपीज़ कमाता हूँ, लेकिन मेरे पास आज जो मेरे पास एसेट्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, उन सबको मिला के मान लो मेरे पास 25 लाख रुपीज़ है। कितने हैं? 25 लाख रुपीज़। तो 25 लाख रुपीज़ इज़ द वेल्थ, मतलब जो मैंने एक्यूमुलेट कर रखा है, जो मेरे पास एसेट्स एक्यूमुलेट हो रखे हैं, दैट इज माय वेल्थ, कैपिटल दैट इज वेल्थ। इनकम मतलब जो मैं एक साल में कमाता हूँ, दैट इज इनकम। तो ये क्या बोल रहा है, सुनो मेरी बात। ये इन्होंने अलग से क्यों लिखा है कि कई बार क्या होता है कि आपकी इनकम शायद इंक्रीज ना हो, मतलब इनकम आपकी 10 लाख रुपये ही रहे, लेकिन क्योंकि आपकी वेल्थ इंक्रीज हो रही है, मान लो आपने अपनी वेल्थ इंक्रीज कर ली, आपने इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज कर ली, तो आपके पास वेल्थ इंक्रीज हो रही है, तो आपको क्या लगता है कि मेरे पास पैसा तो बहुत है ना भाई। आपके पास पिछले साल 25 लाख रुपए थे, अब 30 लाख रुपीज़ है। तो वेल्थ क्या है? जो पैसा आपने बचा रखा है, आपके पास एक्यूमुलेट हो रखा है। तो अगर आपकी वेल्थ भी इंक्रीज हो रही है तो भी क्या करोगे आप? नॉर्मल गुड्स खरीदोगे। क्या दोनों पॉइंट में डिफरेंस समझ में आया? बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन इन्होंने लिखा हुआ तो मैंने आपको समझा दिया। इनकम और वेल्थ में समझ में आ गया कि क्या डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ठीक है, लिखा हुआ तो मैंने आपको समझा दिया कि सर क्या डिफरेंस है, मैं समझ में आ गया। ऑल राइट, ठीक है। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है आपका? राइज इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स। देखो यार, एमसीक्यू आपसे यही पूछेंगे कि भाई मान लो 2 गुड्स हैं, टी और कॉफ़ी, अच्छा ठीक है, और हुआ ये है कि हाउस परचेज करना है भी वेल्थ का पार्ट है, गोयल कह रहे हैं, हाँ गोयल आप बोल सकते हो, एसेट्स को वेल्थ में काउंट कर सकते हो। अब मेरी बात सुनो, बेसिकली जो नेटवर्थ होती है, दैट इज आपकी वेल्थ। राइज इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स, क्या मतलब है सर इसका मतलब ये है, आपसे एमसीक्यू में पूछेगा कि 2 प्रोडक्ट हैं, आप बनाते हो टी और एक है कॉफ़ी, अगर कॉफ़ी के प्राइसेस इंक्रीज हो गए तो मुझे बताओ मेरे डिमांड में क्या फर्क आएगा? एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड। ध्यान से सुनो कि भाई मैं टी बनाता हूँ, कॉफी के प्राइसेस इंक्रीज हो गए, राइज इन प्राइसेस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स, तो मेरी डिमांड पे क्या आएगा, फर्क क्या आएगा? एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज, डिक्रीज, क्या आएगा सर? इंक्रीज इन डिमांड होगा। सर क्यों? देखो पहली बात तो यहाँ पे एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे किसी और के प्राइसेस की बात हो रही है, मेरे प्राइसेस की बात नहीं हो रही है, किसी और के प्राइसेस की बात हो रही है, बिल्कुल सही बात है। तो इंक्रीज या डिक्रीज में से मेरे को चूज करना है। अगर सब्सटीट्यूट गुड्स के प्राइसेस बढ़े तो भाई वो तो महंगा हो गया, अब लोग मेरे गुड्स खरीदेंगे तो मेरी डिमांड इंक्रीज होगी, मतलब राइट टूवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही। सिमिलरली फॉल इन द प्राइस ऑफ अ सब्सटीट्यूट गुड्स, फॉल इन द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स, अगर भाई कॉफ़ी सस्ती हो गई तो लोग चाय पीना बंद कर देंगे और कॉफ़ी पीना चालू कर देंगे, दैट इज डिक्रीज इन डिमांड, सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट बोलता है कॉम्प्लीमेंट्री। अब कॉम्प्लीमेंट्री के लिए आपसे पूछा गया कि मान लो दो प्रोडक्ट्स हैं, पेन और इंक। क्या है? पेन और इंक। अच्छा ठीक है, अगर इंक के प्राइसेस इंक्रीज हो गए तो पेन की डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा? अगर इंक के प्राइसेस डिक्रीज हो गए तो पेन की डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा? हाँ जी, क्या आएगा? एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज, डिक्रीज, क्या इफेक्ट आएगा बोलो? सर डिक्रीज इन डिमांड, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। सर अगर इंक महंगी हो गई तो सर पेन भी लोग कम खरीदेंगे, पेन की डिमांड क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। वेरी गुड। सिमिलरली डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ, फॉल इन द प्राइस ऑफ, सॉरी राइज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है अगर इंक महंगी हो गई, अगर इंक महंगी हो गई तो पेन कम खरीदेंगे, लेकिन अगर इंक सस्ती हो गई, इंक सस्ती हो गई सर तो लोग पेन ज़्यादा खरीदेंगे। सिंपल सी बात है, अगर आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइसेस कम हो गए तो आपकी डिमांड बढ़ेगी, ये सुनो, क्योंकि अब दोनों साथ में यूज़ कर सकते हो आसानी से। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस बढ़ गए तो इसका मतलब आपकी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड है इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बायर्स। अच्छा भाई मार्केट में बायर्स बढ़ गए, पॉपुलेशन बढ़ रही है, लॉकडाउन में बहुत पॉपुलेशन बढ़ी है, ठीक है, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बायर्स, इससे क्या होगा बताओ? बोलो बोलो, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बायर्स, क्या होगा? इंक्रीज होगी डिमांड सर। सिंपल सी बात है कि डिमांड क्या होगी? इंक्रीज होगी। ज्यादा बायर्स ज्यादा डिमांड, ज्यादा बायर्स ज्यादा डिमांड। और डिक्रीज इन द नंबर ऑफ बायर्स, डिक्रीज इन द नंबर ऑफ बायर्स, तो भाई क्या हो जाएगा? आपकी डिमांड कम हो जाएगी। या तो लोग जो हैं अब इंडिया छोड़ के बाहर जा रहे हैं तो बायर्स कम हो जाएंगे, राइट, क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, तो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद है फेवर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की बात आ गई, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की बात आ गई। अ चेंज इन द टेस्ट, चेंज इन टेस्ट इन फेवर ऑफ कमोडिटी। क्या लिखा है? चेंज इन टेस्ट इन फेवर ऑफ कमोडिटी। मान लो आप क्या बनाते हो सर? आप बहुत ही हेल्दी जूस बनाते हो, हेल्दी जूस बनाते हो जिसमें आप बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें डालते हो, एलोवेरा डालते हो, आप करेला डालते हो, बहुत कुछ डालते हो। अब लोग क्या हो गए हैं? हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, तो लोगों ने आपके गुड्स कंज्यूम करना चालू कर दिया, है ना? टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस इन फेवर ऑफ कमोडिटी, चेंज इन टेस्ट इन फेवर ऑफ कमोडिटी। भाई अगर इन फेवर है, क्या है? इन फेवर है, तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। और अगर अगेंस्ट द कमोडिटी है, अब मान लो जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह है, अब लोग कम कंज्यूम करते हैं, कम कंज्यूम करते हैं, तो इसका मतलब उनकी डिमांड डिक्रीज हो गई। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या बोलता है, अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टू ग्रुप ऑफ पीपल हु फेवर द कमोडिटी। सर मतलब क्या है इसका? अरे मतलब ये है कि अब एक नेशन में आप इनकम का रीडिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, मतलब इक्वालिटी लेकर आ रहे हो। जैसे सोशलिस्ट इकोनॉमी थी, क्या थी? सोशलिस्ट इकोनॉमी, ज़्यादा गैप नहीं है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मतलब बात ये हो गई कि अब उन लोगों के पास पैसा आ रहा है जो लोग आपके प्रोडक्ट को पसंद करते हैं। क्या बोल रहा है ये? उन लोगों के पास पैसा आ गया जो लोग आपके प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं, तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। क्या लिखा है देखो, ध्यान से पढ़ लो अगर आपको कंफ्यूजन है तो। देखो, a redistribution of income to group of people who favor the commodity, favor the commodity, तो जो चीज़ आप बेचते हो, जो सामान आप बेचते हो, अब वो क्या है? कुछ लोगों को पसंद था, अब उनके पास पैसा भी आ गया तो वो लोग आपका सामान खरीदेंगे। हाँ सर खरीदेंगे, बिल्कुल खरीदेंगे। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अवे फ्रॉम द ग्रुप ऑफ पीपल, अब जो लोग आपका सामान खरीदते थे, आपका प्रोडक्ट खरीदते थे, मान लो जो आईफोन खरीदते थे, अब उनके पास पैसा नहीं है। अरे पैसा नहीं है तो कैसे खरीदेंगे? नहीं खरीद पाएंगे ना, बात समझ आगे, डिक्रीज हो गया। ठीक है, एक्सपेक्टेशन क्या बोलता है देखो, एक्सपेक्टेशन बोलता है एन एक्सपेक्टेशन दैट प्राइस विल राइज इन द फ्यूचर। आपको क्या लग रहा है कि अरे बाबा रे बाबा फ्यूचर में प्राइस बहुत बढ़ने वाले हैं, बहुत ज़्यादा खरीदो खरीदो भाई अभी खरीदो। क्या बोलोगे आप कि भाई बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, अभी खरीदो, अभी के अभी खरीद लो भाई। एन एक्सपेक्टेशन दैट प्राइस विल राइज इन द फ्यूचर, तो डिमांड क्या हो जाएगी सर? डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। एन एक्सपेक्टेशन दैट प्राइस विल फॉल इन द फ्यूचर। आपको लग रहा है फ्यूचर में कम हो जाएगा, अरे दिवाली आने वाली है ना, उस टाइम पे कम हो जाएगा, तो आप अभी नहीं खरीदोगे, अपनी डिमांड कम कर दोगे और जब प्राइस कम होगा तब खरीदोगे। यस और नो, डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है। लास्ट देखो क्या है, लास्ट क्या बोलता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज एनकरेजिंग द कंजम्पशन ऑफ गुड्स। मतलब सर, मतलब गवर्नमेंट चाहती है, क्या चाहती है कि आप कोकोनट वाटर पियो क्योंकि हेल्दी होता है। गवर्नमेंट क्या चाहती है, आप कोकोनट वाटर पियो। गवर्नमेंट चाहती है आप सोलर पैनल्स खरीदो। गवर्नमेंट चाहती है आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदो। यस और नो, तो भाई अगर गवर्नमेंट चाहती है तो वो क्या करेगी, आपको सब्सिडीज वगैरह देगी, बहुत कुछ करेगी। तो अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज आपके फेवर में है तो आपकी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सर लेकिन गवर्नमेंट चाहती है कि ये मत पियो, आप सिगरेट मत कंज्यूम करो, एल्कोहल मत कंज्यूम करो, प्लास्टिक पॉलिथीन्स का यूज मत करो, तो भाई उसके अगेंस्ट में पॉलिसीज बनाएगी, उस पर टैक्स लगाया जाएगा, राइट, तो उसकी डिमांड कम करी जाएगी। डिस्करेजिंग कंजम्पशन। सर ये तो बहुत आसान लग रहा है मुझे, ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान लग रहा है मुझे। बिल्कुल सर, बिल्कुल राइट। और ये हमने पढ़ लिया कि भाई देखो, जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम बात करते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व की, किसकी बात करते हैं, मूवमेंट अलोंग, तो ये क्या हो रहा है, दैट इज, बोलो फटाफट से बोलो, दिस इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन एंड कॉन्स्ट्रैक्शन, ठीक है, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। शिफ्ट ऑफ डिमांड का मतलब चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड, डिमांड कर्व शिफ्ट हो रहा है। अरे गोयल जी, अगर वेल्थ इंक्रीज होगी तो कंजम्पशन ज्यादा होगी ना, वेल्थ इंक्रीज होगी तो इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज होगी तो डिक्रीज इन डिमांड, राइट, विद रिस्पेक्ट टू प्राइसेस, राइट, चेंज इन क्वांटिटी। बेसिकली मूवमेंट अलोंग द डिमांड का मतलब जब मैं अपने डिमांड कर्व में मूवमेंट कर रहा हूं, और वो कब होती है, जब मेरे खुद के प्राइसेस चेंज होंगे, खुद के प्राइसेस चेंज होते हैं, राइट, जहां लॉ ऑफ डिमांड काम करता है। क्या करता है, लॉ ऑफ डिमांड वर्क करता है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं, यस और नो, आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि भाई मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी बात बताओ कि यार लॉ ऑफ डिमांड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व पे काम करता है या शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व पे, बोलो हाँ यार, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व पे या शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व पे। बेटा मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व पे, इस पे मूवमेंट पे, कि भाई मूवमेंट कब होती है, जब लॉ ऑफ डिमांड लगता है कि प्राइस बढ़ रहे हैं, क्वांटिटी कम हो रही है, क्वांटिटी कम हो रही है तो प्राइस बढ़ रहे हैं, प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, क्वांटिटी पे इफेक्ट आ रहा है, दैट इज मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व पे। बात समझ में आई है? ओके, कोई डाउट है? सत्यम शिवम ने बोला क्वांटिटी डिमांडेड के आगे क्वेश्चन मार्क। बेटा आज की डिस्कशन पूरी उसी में निकल रही है हमारी। बोलो फटाफट से, कोई डाउट है क्या? है क्या कोई डाउट? एनीबडी, समबडी, किसी को कुछ भी डाउट है तो फटाफट से मुझे बताओ। सर क्लियर है? नो सर, कोई डाउट नहीं है। अब बात यह है कि मैं तो थोड़ा थक गया हूँ, ठीक है, ओके, और मेरे को लग रहा है मेरा गला भी खराब हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है दैट इज इलेस्टिसिटी, इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। अब ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है एंड ऑनेस्टली मुझे लगता है कि मुझे ये कल ही शुरू करना चाहिए, राइट, आज ये कंप्लीट हो नहीं पाएगा और आज मुझे थोड़ा सा गला भी डगमगाता दिख रहा है मेरा, ठीक है, तो हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे, थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं इलास्टिसिटी की, थोड़ी सी, राइट, उसके बाद हम कल शुरू करेंगे, उसके बाद हम क्या शुरू करेंगे, उसके बाद हम कल ही शुरू करेंगे। तो देखो इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, सारे बच्चे जोर से बताओ मुझे कि भाई आपको ये पता चल गया आप मैन्युफैक्चरर हो, हाँ सर हाँ आप मैन्युफैक्चरर हो। मुझे एक सिंपल सी बात बताओ कि भाई आपको क्या पता चल गया कि मैं अगर अपने प्राइसेस बढ़ा दूंगा ना तो मेरी डिमांड कम हो जाएगी। अच्छा, आप मान लो नॉर्मल गुड्स बनाते हो, नॉर्मल गुड्स बनाते हो, आपको पता चल गया कि सर मैं प्राइसेस बढ़ाऊंगा ना तो मेरी डिमांड कम हो जाएगी। अच्छा, प्राइसेस कम करूंगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। मुझे एक बात बताओ, अरे ये तो सबको पता है, ये तो सबको पता है कि सर ये तो चलना ही है, ये तो है ही लॉ ऑफ डिमांड, इससे मुझे कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा, मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं हो रही। मुझे इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए, मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए कि अगर मैं अपने प्राइस को 5 रुपए से बढ़ा दूं तो मेरी डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा? भाई मुझे इंफॉर्मेशन क्या चाहिए कि अगर मैं अपने प्राइस को 5 रुपए से बढ़ा देता हूं तो मेरे डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा, अगर मैं अपने प्राइसेस को 5 रुपए से कम कर देता हूं तो मेरे डिमांड पे कितना इफेक्ट आएगा। अरे मेरे को तो वो इन्फॉर्मेशन चाहिए, बोलो हाँ या ना। भाई मेरे को डिसीजन लेना है, मुझे डिसीजन क्या लेना है कि मैं प्राइसेस को बढ़ाऊं या ना बढ़ाऊं, और डिसीजन लेने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि मेरे प्राइसेस इंक्रीज करने से मेरी डिमांड पे कितना इफेक्ट आएगा। देखो सिंपल सी बात है, क्या इफेक्ट आएगा ये आपको पता है क्या? तो आपको पता है आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए कितना इफेक्ट आएगा। मेन क्या चाहिए भाई, कितना इफेक्ट आएगा वो बताओ। क्या तो सबको ही पता है भाई, आपको भी पता है मुझे भी पता है। हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है कितना इफेक्ट आएगा। अगर मुझे ये पता चल जाए कि कितना इफेक्ट आएगा तब मैं डिसीजन ले सकता हूँ कि अच्छा मैं अपने प्राइसेस को 10% से कम कर दूँ तो मेरी डिमांड 20% से इंक्रीज होगी। ये तो मज़ेदार बात है, बात समझ में आ रही है कि क्या हमें पता करना है, और ये हमें पता करना होता है, पता करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। किसमें पता करते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। तो अगर मैं बोलूं इलास्टिसिटी का मतलब क्या है, इलास्टिसिटी का मतलब है कि भाई आप अगर अपने प्राइस को, ठीक है, प्राइस को इतनी परसेंटेज से चेंज करोगे तो उसका रिस्पॉन्स आपके क्वांटिटी पे कितना आएगा। बात समझ रहे हो, वो आपकी क्वांटिटीज किस तरीके से, आपकी डिमांड क्वांटिटी डिमांड किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगी, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड, है ना, क्वांटिटी डिमांडेड कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, क्यों, ड्यू टू चेंज इन प्राइसेस, ड्यू टू चेंज इन प्राइसेस, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बात समझ में, दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी। मैं तो यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ, सिर्फ प्राइस की, लेकिन जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्राइस की बात हो। यहाँ पे इलास्टिसिटी सारे फैक्टर्स में हम पढ़ेंगे कि भाई अगर लोगों की इनकम इतनी बढ़ गई तो आपकी डिमांड पे कितना इफेक्ट आएगा, अगर मेरे सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस इतना बढ़ गया तो आपके डिमांड पे कितना इफेक्ट आएगा। बात समझ रहे हो, ये हम किस में पढ़ने वाले हैं, ये हम पढ़ने वाले हैं इलास्टिसिटी में। और यहाँ तो अब हम करेंगे न्यूमेरिकल्स, अरे मजे आएंगे, अकाउंट्स में भी न्यूमेरिकल्स, यहाँ भी न्यूमेरिकल्स, मजे आ जाएंगे। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मैंने आपको बताया था, अभी काफ़ी बड़ा चैप्टर है। विल ट्राई टू कंप्लीट दिस चैप्टर, कोशिश करेंगे कि ये हमारा इसी वीक में कंप्लीट हो, लेकिन इस वीक में मुश्किल है। या तो हम सैटरडे को थोड़ी सी एक एक्सटेंडेड क्लास कर लेंगे अराउंड 2-3 घंटे की, तो शायद कंप्लीट हो जाए। लेकिन जैसे मैंने आपको बोला कि इकोनॉमिक्स का सिलेबस ज़्यादा नहीं है, इकोनॉमिक्स हमारा बहुत प्यार से कंप्लीट होगा, आराम से कंप्लीट होगा। तो कोशिश करनी है कि आराम से डिटेल में पढ़े। अकाउंट्स की क्लासेस का हम ड्यूरेशन डेफिनेटली इंक्रीज करेंगे, अभी अराउंड 1.5 आवर, कभी कभी 2 आवर्स चलती है, उसको थोड़ा सा और इंक्रीज करने की जरूरत पड़ेगी, वो हम करेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, ऑलराइट। तो आज की क्लास में हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट काम किया था हमने, अगर आपको याद हो सर क्या इंपॉर्टेंट काम किया था हमने, सबसे पहले तो रिवीजन करी थी हमने, अराउंड 20-25 मिनट्स हमने जितना भी चैप्टर पढ़ लिया, क्योंकि यार ये चैप्टर बड़ा है और चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हमें क्या करना होगा, हमें जितना हम करते जा रहे हैं उसको रिवाइज करके चलना है। अगर मैं आपको ऐसा नहीं कराऊंगा तो आप भूल जाओगे, क्या करोगे, भूल जाओगे, तो ज़रूरी है रिवाइज करना। तो हमने पहले रिवाइज किया और उसके बाद हमने 2-3 टॉपिक्स करे, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड में क्या फ़र्क होता है, इंक्रीज डिक्रीज क्या होता है। आज ज़्यादा कवर नहीं हुआ लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, जितना भी किया प्रोडक्टिव था, राइट। किसी को कोई डाउट है तो फटाफट से मुझे बताओ, नहीं तो चलते हैं, आज के लिए बहुत है, रेस्ट करो आप भी। बताओ भाई, बताओ, किसी को कोई भी डाउट है? नहीं है, ग्रेट लेक्चर तक, थैंक यू स्मृति, थैंक यू सो मच। नो सर, ओके गाइस। तो अगर आपको मज़ा आया तो वही सब चीज़ें मैं बार बार क्या ही रिपीट करूँगा, अगर आपको मज़ा आया तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। कब होगी सर? अकाउंट्स की क्लास कल 9:30 बजे और इकोनॉमिक्स की 12 बजे। तो कल मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा, बाय एवरीवन। सर आपके बोलने पे सब कॉन्सेप्ट, थैंक यू प्रिया, थैंक यू, बाय बाय।